इतने वोट दिए, इतनी सीटें दी, सारे पुराने नेताओं को हरा दिया, एक तो वो कारण है। और दूसरा कारण है, जिस तरह से पिछले कुछ दिनों में मान साहब ने जबरदस्त काम करके दिखाया पंजाब के अंदर, 16 तारीख को उनका शपथ हुआ, 19 तारीख, आज 20 तारीख है, केवल तीन दिन हुए हैं, और तीन दिन में मान साहब तो उसे कमाल कर देता। सारे पंजाब क्या पूरे देश में मान साहब की चर्चा हो रही है कि क्या गजब का काम मान साहब ने करके दिखाया है। वी आर रियली प्राउड ऑफ यू मान साहब। जिस तरह से आपने ओथ के वक्त पूरे पंजाब के लोगों को बुलाया, 3 करोड़ पंजाब के लोगों ने शपथ ली, मेरे पास ढेरों मैसेज आए, मेरे पास ढेरों लोगों के फ़ोन कॉल आए कि सर आज मैं भी टीवी के सामने बैठ के मैंने भी शपथ ली। जितने लोग वहाँ गए थे उनको भी ये लगा, पंजाब के लोगों को पहली बार ये लगा कि वो मुख्यमंत्री बन रहे हैं, ये बहुत बड़ा एहसास था पंजाब के लोगों को। जिस तरह से जितने ये बड़े बड़े पुराने मंत्री संतरी हुआ करते थे उनकी सिक्योरिटी हटा के, और वो सिक्योरिटी जनता के लिए लगा दी गई, वो पुलिस वाले जनता की सुरक्षा के लिए लगा दिए गए, वो सारे व्हीकल जनता की सुरक्षा के लिए लगा दिए गए। जो अक्टूबर के अंदर फसलें बर्बाद हुई थी उन फसलों का अभी तक मुआवजा नहीं मिला था, और सरकार बनते ही एक दो दिन के अंदर सारे किसानों का मुआवजा उनके जिलों में पहुंच गया, और अब मुझे बताया गया कि अगले 3-4 दिन के अंदर वो सब मुआवजा उनके चेक मिलने चालू हो जाएंगे। बहुत खुशी होती है ये सुन के। परसों आपने जिस तरह से एंटी करप्शन हेल्पलाइन नहीं कहूँगा मैं, वो एक्शन लाइन है, हेल्पलाइन नहीं है वो, एंटी करप्शन एक्शन लाइन का जिस तरह से आपने ऐलान किया दिल्ली के अंदर भी, उसकी वजह से भ्रष्टाचार खत्म हो गया। और पंजाब से ऐलान करने के बाद ही पंजाब से इतनी सारे मेरे को सोशल मीडिया पे और मैसेजेस के थ्रू आ रहे हैं, जी मैं वहाँ गया था रजिस्ट्री करवाने, पहले तो इतने पैसे लगते थे, अब तो उन्होंने तुरंत रजिस्ट्री कर दी, जी किसी का आया जी मेरा ढाबा चलता है, और पहले यहाँ पे हमारा लोकल कोई वो आया करता था पुलिस वाला, खाना खाता था पैसे नहीं देता था, तो वो पैसे देने लग गया। अपने आप से कितना सुधार होने लग गया है केवल ये 1-2 दिन के ऐलान से। और कल जो आपने 25,000 सरकारी नौकरियों का ऐलान किया, बहुत शानदार ऐलान है। आज सबसे बड़ी समस्या पंजाब के अंदर रोजगार की है, इससे लोगों के अंदर एक विश्वास पैदा हुआ है, लोगों को हमसे उम्मीद थी, लोगों को ये लगता था इन लोगों ने दिल्ली में अच्छा काम किया, चलो इनको वोट दो, वोट देंगे तो दिल्ली पंजाब में भी शायद अच्छा काम कर दें। लेकिन पिछले 3 दिनों के अंदर मान साहब आपने जो ऐलान किया और जो काम करके दिखाया है, वो उम्मीद अब धीरे धीरे लोगों के विश्वास में बदलती जा रही है। ये बहुत बड़ा काम है, आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शानदार जीत, बहुत शानदार शुरुआत है आपकी। भगवान से प्रार्थना है, वाहेगुरु जी से प्रार्थना है कि आपको इसी तरह से शक्ति दे, ताकत दे, और आप इसी लगन के साथ पंजाब की सेवा करते रहें। एक तरफ आप इतना शानदार काम कर रहे हैं, आपने ओथ भी ले ली, हमारी सरकार भी बन गई, हमारे मंत्री भी बन गए, इतने सारे काम भी कर दिए, और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है जो 4 राज्यों में जीती थी, अभी तक उनसे सरकार नहीं बन पा रही, अभी उनके लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, किसको मंत्री बनाएं, किसको ये बनाएं, किसको वो बनाएं, काम तो वो क्या करेंगे, उनसे उनकी सरकार ही नहीं बन पा रही। कैबिनेट में जो जो मंत्रियों को कल शपथ दिलाई गई थी, मैं उनको बधाई नहीं दूंगा, मैं उनको शुभकामनाएं दूंगा। भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आप सब लोग जो जो जिम्मेदारी आपको दी गई है, वो जिम्मेदारी आप लोग पूरी लगन, मेहनत और ईमानदारी के साथ पूरी करेंगे। एक एक व्यक्ति के ऊपर निगाहें हैं लोगों की, समय कम है। अभी मान साहब ने कहा कि 70 साल खराब कर दिए हम लोगों ने, 75 साल हो गए आज़ादी को, 75 साल हमने खराब कर दिए, अब टाइम कम है। हर एक मंत्री को मान साहब टारगेट देंगे, भाई तुमको इतने दिन में इतना काम करना है, इतने दिन में इतना काम करना है, इतने दिन में इतना काम करना है। टाइम बहुत कम है, 24 घंटे का दिन होता है, 24 में से 30 घंटे काम करना पड़ेगा, रात दिन काम करना पड़ेगा, खूब मेहनत करनी पड़ेगी। अगर टारगेट पूरे नहीं होते आपके, तो फिर जनता ही कही गई भी इस मंत्री को बदलो, दूसरे मंत्री को लेके आओ। हो सकता है थोड़ा सा बुरा लगे उस टाइम, लेकिन मजबूरी है, काम तो करना पड़ेगा। मान साहब जो भी टारगेट देंगे, वो मान साहब के टारगेट भी पूरे करने पड़ेंगे। मैं पहले दिन का मान साहब का भाषण सुन रहा था, जब उन्होंने सारे MLAs को कहा था कि चंडीगढ़ में मत बैठना, बहुत सही कहा था। होता क्या है कि जब हम मन जब बन जाते हैं, तो फिर ये घोड़ा गाड़ी बंगला इसकी आदत पड़ जाती है, ये बहुत बुरी आदत है। चंडीगढ़ में बिल्कुल नहीं बैठना, हमारी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, हमारी पार्टी का एक एक MLA, हमारी पार्टी का एक एक मंत्री लगातार 24 घंटे जनता के बीच में घूमेगा, गलियों में जाएगा, मोहल्ले में जाएगा, पिंड में जाएगा, लोगों की बातें सुनेगा। मैंने सुना है कि कुछ विधायक अपने जो मंत्री नहीं बन पाए वो दुखी हैं,